हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्फाजी ब्लॉग्स एंड मोर। और हम लेकर आ गए हैं एक और नया ब्लॉग। तो टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि ये भी एक इवेंट ब्लॉग होने वाला है। तो इस इवेंट के लिए हम लोग जा रहे हैं सूरत। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने नहा लिया है और वो गई है अभी नहाने के लिए। और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। और बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत सारा पानी भर जाता है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए जब निकलेंगे तो मेट्रो से निकलेंगे, कैब से नहीं निकलेंगे, क्योंकि कैब से थोड़ा सा इशू होगा, पानी रास्ते में भरा होगा, क्या पता गाड़ी बंद हो जाए। तो हमें रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी ट्रेन मिस नहीं करनी है। तो इसीलिए हम लोग निकलेंगे मेट्रो से। और अभी हो रहा है टाइम 1:15 और हमें निकलना है 2:15 पे। तो अभी हमारे पास 1 घंटा है, रेडी होते हैं, फिर आपको मिलते हैं। आगे की जो डिस्कशन है वो होगी अल्फाजी के साथ। हाँ जी, सो हाय, क्योंकि मैंने तो पहले आप लोगों से हाय किया नहीं। और अभी आपको क्या ही बताएं, काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी में है हम लोग, और खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमें निकलना है और ऑटो मिल नहीं रही है। ठीक है, तो हो सकता है हमें फिर से ई रिक्शे से जाना पड़े, इसलिए आज हमने क्या किया, लूज पैंट्स पहनी हुई दोनों लोगों ने, जिसमें चढ़ाकर आराम से नैया पार करते हुए जाएंगे। बहुत पानी भर जाता है तो यहाँ पे नदियां बन जाती हैं। तो इस बार हम लोग अच्छे, वो क्या कहते हैं उसको, तैयारी से चल रहे हैं पूरी पूरी। तो बस अब हम लोग खाना खा के निकलते हैं, और या तो आपसे हम लोग मिलेंगे रास्ते में, या तो मिलेंगे ट्रेन में। ठीक है, तो मिलते हैं, और आप ब्लॉग के साथ बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है। यस, सो लेट्स गो टू सूरत। यस, वो गुजराती अच्छा नहीं लगा, मैंने ना खाना ही इंसान तो मतलब इनका थेपला भी ट्राई ना करूँ। ट्राई से मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना सब कुछ मैं खाने के लिए बहुत पर्टिकुलर। ये मौसम और चाय, ये बताएं आपने शुगर कैसे कट ऑफ किया हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, किसी ना किसी चीज़ का ना इंस्पिरेशन होना चाहिए। जैसे आपको अगर कुछ अचीव करना है और बीच में शुगर आ रहा है, तो अगर आपका गोल जो है वो शुगर से ज़्यादा मीठा होगा। आ हा, क्या बात है, वाह। तो आपका क्या गोल है? मेरा गोल ये है कि मुझे थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान देना है। आजकल मैंने 1 महीना जैसा हुआ है जिम स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल ही छोड़ दिया आपने, मतलब आप किसी चीज़, बिल्कुल ही, मतलब कि अभी एकदम ही बंद किया हुआ है। अभी लाइक नहीं रह सकते हैं, लेना ही है, या 4-5 दोस्तों में बैठते हैं, दोस्तों लेजिट कर दी तो चाय कभी वहाँ के, तो शुगर एकदम ही। क्या कहोगी, तो कोशिश कर रही हो काफी। देखो, मुझे पता है कि मुझसे होगा ही नहीं, तो मैंने कोशिश नहीं की। हाँ, हम हैं डीट पे जाते के, हमें कोई चीज अच्छा, अगर किसी को कोई चीज इंस्पायर ही ना करे, वो इंसान क्या करे, जीना छोड़ दे। ना मेरे को ना कुछ इंस्पायर नहीं करता। सबसे बेस्ट है, खाओ पियो, मजे करो, खाते पीते हैं फिर भी फील है। देखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हर चीज का मजा लो। हम लोग क्या है, हम लोग तो मजे ले चुके हैं। अभी इतनी उम्र नहीं हुई आपकी, कुछ बातें बचा के रखिए, 60 में क्या बातें करेंगे। And we are here. So, आज दिन में यहाँ जमेगी महफिल वॉइस ऑफ सूरत। एक्साइटेड? Yes. तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आपको होटल रूम भी दिखाएंगे। और मौसम इतना प्यारा ना, मेन है मौसम की खूबसूरती, और लोग तो प्यारे हैं। Yes. अभी हम लोग जस्ट पहुँचे ही हैं, तो अभी रूम में चलते हैं और आपको रूम दिखाते हैं। हाँ जी, हम लोग आ
चुके हैं अपने रूम पे और अभी बज रहा है लगभग 9 और हम लोग रूम में पहुंच चुके हैं। अब बस हमें ब्रेकफास्ट करना है एंड उसके बाद हमें थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और इवेंट टाइमिंग हम आपको बता देते हैं, तो 1 से 4 हमारा इवेंट का टाइम है और रैप अप होते होते आई गेस 4:30 या 5 बज जाएगा, है ना। और मीनवाइल अभी हो सकता है अगर मुझे मौका लगेगा तो हम आपको स्टूडियो भी दिखा देंगे क्योंकि यहीं पास में है। इट्स लाइक कि इस रूम से निकलो एंड 4 रूम छोड़कर स्टूडियो है, सो दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट। आराम से हम लोग रेडी होकर उसी टाइम पर जाएंगे जब इवेंट स्टार्ट होना होगा। तो आपको अगर पॉसिबल होगा तो आपको स्टूडियो टूर हम पहले करा देंगे, तो आपको रूम टूर करा देते हैं तब तक कि हमारा रूम कैसा है। सो ये है एंट्रेंस, यहाँ से हम आए, ये हमारा वॉशरूम, ये मिरर जहाँ पर अभी आप हमें देख रहे थे, उसके बाद ऐसा कुछ है हमारा रूम, वो एक बंदर खड़ा हुआ है वहाँ पर। सो यहाँ पर एक बेड है, यहाँ पर एक बेड है। एक्चुअली बड़ी किस्मत वाली बात है, आते आते करिश्मा को जुकाम हो गया तो जब हम रूम में हमें बेड भी दो मिले। तो ऐसा कुछ रूम है हमारा, एक डबल बेड यहाँ है, देन एक डबल बेड यहाँ है, ये हमारा टीवी हो गया और यहाँ छोटे छोटे से 2 साइड टेबल्स या कैबिनेट जो भी आप कह लो वो दिए हुए हैं। दिस इज आर एसी और मैंने अभी तक ऑनेस्टली व्यू देखा नहीं है, सो ओ नाइस। तो ऐसा कुछ व्यू है और यस दिस इज आवर रूम। तो अब हम लोग को करना है नाश्ता एंड देन उसके बाद रेस्ट करना है। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में क्योंकि हम लोग थक चुके हैं और हम लोग गिर जाएंगे। हाँ जी, सो नाश्ता वगैरह हो गया है और जैसा आपको बोला था कि अगर मौका लगेगा तो आपको स्टूडियो ज़रूर दिखाएंगे, तो अभी भी कॉल आया है एंड आई एम गोइंग टू द स्टूडियो। लेट्स सी कैसा रहता है और जहाँ परफॉर्म करने वाले वो जगह अगर आपको पहले से देखने को मिल जाए सोने पे सुहागा। तो आपको लेकर चलते हैं स्टूडियो की तरफ। सो उस तरफ हमारा रूम है एंड में और इधर है स्टूडियो। हेलो, नाइस, बहुत प्यारा है, बहुत। कुछ सेटअप सामने से उधर से तो आपने देख ही लिया, इधर से भी देख लो मेरे एंगल से। तो यहाँ पर होने वाली है परफॉर्मेंस और अचानक से बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बट मीनवाइल मेरे को ये सेटअप बहुत बहुत अच्छा लगा। ये जो ब्लैक पे ऐसे बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है ना, इट लुक्स सो नाइस। एंड कलर सेलेक्शन मैंने अभी अमृतेश को यही बोला कि कलर चॉइस बहुत अच्छी है, वो गोल्डन इतना खिल के आ रहा है उस पर, तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो स्टूडियो टूर मैंने आपको दे दिया, अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट रेडी होकर क्योंकि तैयार होने में मुझे बहुत समय लगता है, आपको पता ही है, तो थोड़े टाइम बाद मिलते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ, हमारा परफॉर्मर भी रेडी हो चुका है, उससे भी अभी आपको मिलवाते हैं। तो अभी आपने स्टूडियो देखा, मैं तो उस टाइम पे सो रही थी, तो मैं अभी उठी हूँ, मैंने लंच किया है एंड देन मैं रेडी हो गई हूँ, तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ परफॉर्मर से। हाँ जी, सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, सिंपल। और मेरा प्लान थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने वाइट सोचा था, बट वही होता है कि वीडियो में कभी कभी ना वो प्रॉब्लम करता है, तो इस वजह से फिर मैंने चेंज किया और मैंने सोचा कि ये पहन लेते हैं। कॉल आ चुका है तो अब हम लोग बस निकल रहे हैं। इवेंट टाइमिंग 1 बजे की थी जैसे हमने आपको बताया था और 12:45 ऑलरेडी हो गया है, सो लेट्स गो एंड लेट्स होप एंड विश कि इवेंट अच्छा जाए, अच्छे से परफॉर्म करें, ऑडियंस को पसंद आए जो मैं पढ़ूँ, और मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है कि वो लोग क्या सुनाने वाले हैं। लेट्स होप वी हैव एन अमेजिंग इवेंट, लेट्स गो। ऑडियंस और मैं वहां से ऑब्जर्व करूंगी सबको और
बताया था हमने भी, हम भी रातों को जागेंगे, जिसके पीछे हम नंगे पांव। माँ अपने में अगर आप उस शब्द को लिखोगे पर तो बहुत छोटा है, और अगर उसको बयान करने बैठो तो हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। हमारी माँ हमारे लिए इतना कुछ करती है और इतना मायने रखती है हमारे लिए। तो किसी बच्चे की जिंदगी से अगर उसकी माँ चली जाए तो उस पर क्या बीतती है, और साथ ही साथ उस पिता पर क्या बीतती है। तो मैंने उस पर ये एक शेर लिखा था, सुनिएगा कि कोने में सिसकियां लेता हुआ एक बच्चा माँ के इंतजार में है, कोने में सिसकियां लेता हुआ एक बच्चा माँ के इंतजार में है। बाप का अपना भी फर्ज है और बाप ही माँ के किरदार में है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जो ये वीडियो में जो आपको इतना बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा है नहीं। देखो ये मेरा हाथ है और ये इतना छोटा सा है। ताई, ताई। नहीं पियोगे ना? अच्छा डिप का खा लो खा लो। आपने क्लिप्स देखी कि क्या क्रेजी सा इवेंट है, बहुत ही प्यारी ऑडियंस और बहुत प्यार मिला सूरत में, और देख के मज़ा आ गया। थक गए हैं बट अब हम लोग खाने पीने जाएंगे, तो आपको मिलते हैं रास्ते में। ये क्या क्या है? तो ये बटर का पूरी है। हे आराम से आराम। ये है भजिया। ये भजिया ओके। ये है बटे का, और ये बटे का भूंगड़ा। बटे का भूंगड़ा, दिस इज आलू। आलू के बुचारी को बोलते हैं बटेटा। बटे, अच्छा बटे, बटाटा, बटाटा, बटेटा, ओके ओके। दिस इज बटेटा, और ये है चुंगले। आप लोगों के यहाँ पे हमारे यहाँ पे भूंगड़ा बोलते हैं। भूंगड़ा ये खाने का एक तरीका है। वटेटा भूंगड़ा, ये स्प्रिंग रोल का कुछ है, स्प्रिंग रोल टाइप चाइनीज समोसा है जो कि गुजराती स्टाइल में। अच्छा बटाटा ढूंगड़ा ढूंगड़ी घूंगड़ा घूंगड़ा बटाटा घूंगड़ा 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 बटाटा भूंगड़ा। दोस्तों आज हमें मतलब अभी भी गलत ही बोल रहे हैं। दोस्तों आज हम खा रहे हैं बटाटा भूंगड़ा सूरत में आके। बहुत इशू से आगे भूख बहुत तेज लग रही है, अब खाते हैं और खाने भी आगे फिर हम लोग करते नहीं ब्लॉग, आपको पता है हम लोग भूखे इतने ज्यादा भरे बैठे होते हैं ना, सब मिलते थोड़ी देर बाद। सो हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा सा ऐसे बाइक राइड लेके वापस आ चुके हैं, और शक्ल दोनों की शायद बता ही रही होगी कितना थक गए, तो हम लोग रेस्ट करेंगे। और इवेंट बहुत बहुत अच्छा रहा, सच में बहुत अच्छा रहा। आपने वीडियोस क्लिप्स में देखा, बाकी लाइव ऑडियंस जो थी वहाँ पे उससे भी पूछ लेते कैसा लगा आपको। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इतना मज़ा आ रहा था, सारे परफॉर्मर्स को लोग इतना इंजॉय कर रहे थे, मुझे सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था, और जैसे लोग रिस्पॉन्स दे रहे थे उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। द थिंग इज़ कि यहाँ पर मतलब मैंने जितने भी जगहों पे आज तक हम गए हैं परफॉर्म किया है अलग अलग शहरों में या जहाँ भी, तो ये चीज़ सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की ये लगी कि वो फर्स्ट परफॉर्मर से लेकर लास्ट परफॉर्मर तक उन लोगों ने उतनी ही प्यार से उतने ही ध्यान से सुना है सबको, जो कि जनरली आपको नहीं मिलेगा, और वो चीज़ यहाँ बहुत अच्छी थी। उतने ही प्यार से सुन रहे थे वो, और वो एनर्जी लेवल उन्होंने मेंटेन करके रखा था, सबको इक्वली सपोर्ट कर रहे थे, तो दैट वॉज समथिंग वेरी प्योर
और जो कि बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है. तो ओवरऑल इट वॉज अ बैंगर इवेंट. सो ऑल इन ऑल ये था हमारा सूरत व्लॉग और बहुत मजे आए हम लोगों को. और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना. यस, ढेर सारा प्यार दो. इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, हर तरीके से आपके लिए व्लॉग लेकर आते हैं. तो प्लीज प्लीज प्यार दो और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए ख्याल रखें और बाय बाय. बाय बाय.